I love Mumbai Indians. We love RCB. We love Virat Kohli. We love RCB. We love Virat. We love RCB and we love Virat Kohli. आई थिंक मुझे तो लगता है आरसीबी जीतेगी क्योंकि अब फॉर्म में भी है डेविड डिविलियर्स भी है और वो भी है विराट कोहली तो आई थिंक आरसीबी। क्या लगता है कल के मैच में आरसीबी भारी पड़ेगी मुंबई इंडियंस का? नहीं आई थिंक हार्दिक पांड्या इस बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है उसका बैटिंग लाइनअप भी अच्छा है मगर सामने विराट और डिविलियर्स भी अब फॉर्म में तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आरसीबी विन। ओके 100% आरसीबी जीतेगी। आरसीबी क्यों? विराट फॉर्म में और डिविलियर्स फॉर्म में और काफ़ी टाइम से मैच हार रहे हैं इसमें से आरसीबी जीतेगी। ओके आपको क्या लगता है? मैम आरसीबी जीतेगी। आरसीबी क्यों? मैम उसके पास जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे अच्छा खेल रहे हैं शुरू से ही अच्छा खेल रहे हैं और आरसीबी अच्छा परफॉर्म कर रही है विराट भी है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी है। ओके आपके हिसाब से? मैं तो ये सोचता हूँ कि आरसीबी जीतेगी क्योंकि वो बहुत देर से हार रही है और इस टाइम अच्छा खेलेगी वो। मुंबई इंडियंस को कितनी भारी पड़ेगी क्योंकि मुंबई इंडियंस नहीं मुंबई इंडियंस भी सही खेलती है बट अब इतने मैच हारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मतलब फुल हो गया। हाँ एनर्जी। हाँ क्या लगता है? कल का जो मैच जो है मुंबई और आरसीबी के बीच में तो आरसीबी जीतेगी क्योंकि अभी उनको बहुत स्ट्रगल करना है पीछे बहुत कंटिन्यू मैच हार चुके हैं और विराट को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखानी है इस टाइम पे जैसे लास्ट मैच में उसने दिखाई है तो श्योर वो इस नेक्स्ट मैच में वो जीतेगी। अच्छा आप? बिल्कुल आरसीबी ही मैच मारेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच लॉस हो चुके हैं वो पीछे अब आगे वो कम बैक करेंगे अपना और हो सकता है कि इस बार कप भी वही लेके जाए। हारे हैं उनको कमबैक करने का यही टाइम है ना अब तो इसलिए कल का मैच कितनी गुना ज़्यादा हो गई क्योंकि हारने के बाद जो कल का मैच देखा जाए उसमें उससे तो ये लगता है कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कमबैक हो चुके हैं खासकर विराट कोहली और डिविलियर्स जो अनफॉर्म चल रहे थे वो दोबारा फॉर्म में आ चुके हैं तो होप्स हो कि कल का मैच जो है आरसीबी ही मारेगी मुंबई इंडियंस। मैम जहाँ तक इस समय एक्सपीरियंस का सवाल है तो रोहित शर्मा के पास विराट कोहली से ज़्यादा है और अगर देखा जाए तो टीम जो उसके अभी तक विराट कोहली अभी किसी टीम में अभी अपने उसमें चला नहीं इतनी अच्छी तरह से तो मे भी अगर वो अच्छा चल जाता है कुछ कर देता है तो मे भी जीत सकते हैं अदरवाइज रोहित शर्मा इज बेटर नाउ। आई वॉन्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर मुंबई इंडियंस एंड डेफिनेटली ही विल विन। जी ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप एंड जो भी टीम की स्ट्रेंथ देखिए आप बॉलर्स बैट्समैन फील्डर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर्म सो मुंबई इज डेफिनेटली गोइंग टू विन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे को भी लगता है कि मुंबई इंडियंस जीतेंगे। ओह वाओ मुंबई इंडियंस क्यों? बिकॉज़ दे आर स्किल्ड। और वो कैसा खेलते हैं आप? हाउ दे प्ले वेरी वेल। माय फेवरेट टीम इज मुंबई इंडियंस आई सपोर्टिंग फर्स्ट IPL टू नाउ टिल नाउ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस में जब से सचिन ने खेलना शुरू करा था तब से ही मैं उसे अच्छी तरीके से मतलब और अब रोहित शर्मा है बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं पोलार्ड है उसमें खेलने वाला हार्दिक पांड्या है पांड्या ब्रदर्स और मुंबई इंडियंस की वैसे टीम जो है एक अच्छे तरीके से खेलती है मतलब कि कहने का मतलब भले ही पहले शुरुआत में हार जाती है मगर बाद में कम बैक बहुत अच्छे तरीके से करती है वो और इस IPL में तो बहुत अच्छे ही खेल रही है वो। मैं कहूँगा मुंबई इंडियंस जो आज सपोर्ट वैसे भी मैं तो करता ही आ रहा हूँ और आज भी करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली टीम का जो मोरल होगा बहुत हाई होगा तो इसलिए शायद तक RCB जीत सकती है। सेम आंसर RCB का जैसे बैकअप जो भी हो रहा है एग्रेसिव खेलेगा वो थोड़ा अब वो लाइट में नहीं जाएगा तो विराट कोहली का मोस्ट रहेगा वो कि अब खेलना है तो अच्छे से ही खेलना है अब हार चुके हैं तो अब इतना वो मतलब डिग्रेड हो चुका है तो उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे तो RCB के चांसेस हाई है जीतने के। यहाँ पे विराट कोहली की हमें वापसी लग रही है और विराट कोहली बढ़िया खेलेगा अभी AB डिविलियर्स ने भी काफ़ी अच्छा प्ले किया था और इस बार भी AB डिविलियर्स से विराट कोहली काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को। क्या लगता है आपको मुंबई इंडियंस जो कि पूरी फॉर्म में चल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और RCB कितनी भारी पड़ सकती है क्योंकि RCB वापस फॉर्म में आ गई है पास नज़र आया बिल्कुल क्या लगता है
नहीं, मुकाबला तो टक्कर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबला तो टक्कर का रहने वाला है, लेकिन हमें विराट से ज़्यादा उम्मीद है तो इसलिए हम विराट के साथ ही जाएंगे। विराट कोहली हमारा फेवरेट है, रोहित शर्मा भी है कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल के जो अभी चल रहा है ना, आरसीबी काफ़ी ज़्यादा हार रही है, तो इससे हम काफ़ी मतलब फैंस जो हैं, फैन के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन अभी जो लास्ट मैच वो जीते हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें जग गई हैं, तो अभी नेक्स्ट लग रहा है कि वो जीतेंगे, पक्का कॉन्फिडेंस है। ओके, आपको क्या लगता है सर? आरसीबी क्यों? क्योंकि विराट अपनी फॉर्म में आ चुका है और डिविलियर्स भी अपनी फॉर्म में ही है, तो हार भी पड़ेंगे। सर मुंबई इंडियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, नहीं हो चुके हैं मगर इस टाइम फॉर्म में आ चुके हैं आरसीबी, एंड कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हो चुका है ना एक्चुअली में, ये बात इसलिए वो जीतेंगे, कॉन्फिडेंस हो चुका है तो वो जाएगा नहीं, अब उनको लगातार विनिंग करनी पड़ेगी।